जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे जिस हाल में होंगे मौज में होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी इस फ्लाईओवर पर जाएंगे हम। जाने को हम उधर से लेफ्ट साइड से भी जा सकते थे, लेकिन यार हाईवे मतलब हाइट पे चढ़कर अपने लोकल रोड को देखने का मज़ा ही अलग होता है। कुछ लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ऐसे ही एक छोटी सी गेड़ी लगाने के लिए मैं घर से निकल आया था दोस्तों, आप लोगों से बात करनी थी। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, अच्छा बना दिया कहने का ये। तो दोस्तों मैंने लास्ट में एक व्लॉग बनाया था कैमरे का, जो ESJ6 लीजेंड है उसका एक्सटर्नल माइक है, जो उसकी वॉइस क्वालिटी को लेकर मेरा सारा ही व्लॉग ख़राब हो गया। वो उसमें कुछ बातें भी बोली थी मैंने, थोड़ी सी देश दुनिया से संबंधित थी, जो आजकल बोलते ना हॉट टॉपिक जो है उसके बारे में ही थी। तो वो भी इतना खास रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं पिछली वीडियो में डाल ही नहीं पाया। जो मैंने ESJ6 लीजेंड की जो नाइट विजन क्वालिटी की जो वीडियो डाली हुई है उसमें वो बातें मैंने कवर की थी, बट वो रिकॉर्ड आवाज हुई नहीं, तो फिर इसका कोई सेंस ही नहीं बना डालने का। और अभी मैंने क्या किया दोस्तों, अभी दूसरा वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अपने मोबाइल में। तो मैं इस वीडियो को स्पॉइल नहीं करना चाहता, लोकल रूट कुछ ऐसे दिखा हो तो आपको वीडियो में। मैं बस यही कह रहा था कि जो अपना अभी चला हुआ है पड़ोसी देश में बहुत ख़राब ही है, क्योंकि हमारे जो समाज के इंटेलेक्चुअल में हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने भारत की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर जिनको डर लगता है, जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनते हैं, चाहे उसमें पोइट हो या पत्रकार हो, सभी अपना एक वर्डिक्ट देते हैं कि देश में माहौल ख़राब है, देश में टॉलरेंस नहीं है। आजकल उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, ना ही कोई ऐसे अवार्ड वापसी टाइप का कोई गैंग सक्रिय हुआ कि भाई हम इससे आते हैं और हम ये अवार्ड वापस करते हैं। क्योंकि किसी न किसी को तो अफ़गानिस्तान सरकार ने भी अवार्ड दिया ही होगा, वो भी चीज़ नहीं है। ना कोई मुझे कैंडल मार्च वाले दिखते हैं, ना कोई पत्रकार ऐसी डिबेट कर रहे। अच्छा हाँ, मैंने एक और देखा था, एक पत्रकार कह रहे थे कि तालिबान अब पहले जैसा नहीं रहा है ना, और शाम को या पता नहीं अगले दिन ही उन लोगों ने कांड कर दिया, बेचारा मुंह छुपा था घूम रहा। ऐसे ही केरला मॉडल का सबको सपना दिखाया, केरला ने कोरोना को ऐसे कवर कर लिया एकदम से, उसमें सब कुछ ठीक हो गया है, कोरोना के केस बढ़ नहीं रहे। और जब बम फूटा तो सबसे बड़ा बम केरला में ही फूटा, वहाँ भी झूठ फैलाने की कोशिश। तो दोस्तों ये टॉक ऑन व्हील है, आप भी शेयर कर सकते हैं अपनी बातें। अब आप लोग कहोगे कि ये राइट विंग में जा रहा है, भाई देखो देशभक्ति अगर राइट विंग में आती है तो राइट विंग सही, अगर लेफ्ट विंग में आती है तो लेफ्ट विंग सही, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तभी तो राइट और लेफ्ट है। ये सिर्फ विचारधारा का और सोच का ही फ़र्क है। कोई देश में देशभक्ति को दिखाता है, कोई कहता है देशभक्ति दिखाने की चीज़ नहीं, और केक को काट देते हैं, हिंदुस्तान के बने केक को काट देते हैं। ऐसा भी हुआ देश में, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। दोस्तों आजकल वीडियोस पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा तो बताओ क्या आपको चाहिए वो दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है, वाह यार वाह। तो यहाँ से ले लेते हैं हम अपना राइट और चलते हैं दोस्तों घर की तरफ। अभी का व्यू पता नहीं कैसा आया होगा, लेकिन सूरज देवता बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मज़ा है। थोड़ा रेव किया जाए, अच्छी खींच दी दोस्तों, वाह खून गर्म हो गया, वाह आया मज़ा।
तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता देना। ऐसा कुछ नज़ारा दोस्तों, तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर फोटो हो ही जाए। यहाँ सारा गंदा एरिया है, देखो वो अस्तबल है, घोड़े हैं। अभी नया ही खुला मेरे ख्याल से, दिख रहा होगा आप लोगों को, अस्तबल है उधर घोड़ों का, और ये इधर पानी भरा है बारिश का, ऐसा ही है। ये बेटर हो गया, चले अब चलते हैं दोस्तों। इतना ही था, अपना थंबनेल निकल गया। तो दोस्तों मैं राइड करके गया हूँ आ घर पर, और राइड बहुत ही अच्छी रही। और रही बात बाइक के, तो भाई मैंने 130 आप लोगों के सामने भगाई है। ये बाइक और भाग रही थी, तो वही है कहने का, बाइक एक नंबर है। बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसकी, एक तो ब्रेकिंग की, जो पिछला ब्रेक है वो सही से लगता नहीं, अगला अच्छा काम करता है। और पता नहीं मुझे क्यों बबलिंग सी फील हुई, ऐसे बाइक जैसे छिटक जाएगी हाथ से, पता नहीं क्यों। किसी को उन्हें 130 से आगे अगर भगाई है और उसका क्या एक्सपीरियंस है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर वीडियो देख ली और वीडियो अच्छी लगी और लगा हो आपको कुछ इसमें शेयर करने के लिए है आपके दोस्तों के लिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक करना, कमेंट करके बताना क्या कुछ अच्छा लगा वीडियो में, और क्या कुछ आप देखना चाहते हो, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। और दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक बात पूछनी थी, मैंने ना अपने बालों पर वो वैस्मोल 33 केस का लगा, फर्स्ट टाइम जिंदगी में, फर्स्ट टाइम मैंने कोई केमिकल किसी भी टाइप का कलर या डाई वगैरह फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो इसका क्या कुछ साइड इफेक्ट रहता है या रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो वो भी मेरे को बता देना, क्योंकि मैं थोड़ा वरी हूँ अपने बालों को लेकर। सफ़ेद सफ़ेद हो गए थे देख रहे हो, तो एक बार सोचा कि ट्राई कर लेते हैं, थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना, तो वही चीज़ है। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों कि ये वैस्मोल 33 केस काला जो है वो बालों के लिए अच्छा रहता है, स्किन में कुछ साइड इफेक्ट इसके, मैंने रिव्यू वगैरह देखे थे यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी कहने का ये है, अभी जब खुद पर अप्लाई होगा तो हर एक की स्किन अलग अलग होती है, हर एक अपनी स्किन का रिएक्शन करने का सिस्टम सबका अलग अलग होता, तो इसका क्या मैंने एक बार अप्लाई किया, अगर मोस्टली ये केसेस सबके साथ होते हैं कि अभी साइड इफेक्ट होता ही होता है, तो वो एक बार कमेंट करके बता देना, मैं सेकंड टाइम यूज नहीं करूँगा। अगर आप बोलोगे यहाँ ठीक है तो फिर देखते हैं। और इसको मैंने यही पढ़ा था दोस्तों, आप लोग भी अगर कोई ट्राई करना चाह रहे हो तो इसको साल में 2 बार मैक्सिमम 3 बार, 3 से ज़्यादा बार यूज इस्तेमाल इसका नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही था। फिर से एक बार फिर से आप लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण दोस्तों।